Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the fifth week of letter course. So this is the first session of fifth week. Hamara is week ka jo main maqsad hai wo database ke sath thoda sa kaam karna hai. Last week mein hum thoda sa kaam kar chuke the database ke sath, but is week mein hum thoda sa aur deeply database ke sath kaam karenge. Sahi hai. Hamare actual jo topics the contents the is week ke liye wo REST APIs and state management ko discuss karna tha, but I think ki jo feedback aa raha hai students ki taraf se to wo ye hai ki hum thoda sa database pe kaam kare, sahi hai, and that's why I'm focusing on little bit more on database, sahi hai. So right now is session mein hamara focus UI pe nahi hai, so hamara UI itna acha nahi hoga, but hamara focus hoga ki hum database se data uthaye and database mein hum data send kare, sahi hai. और डेटाबेस हमने फायरबेस यूज करना है राइट नाउ यहाँ पर. सो आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूँ. हमने कोशिश करनी है कि हम यही ये जो यूआई है इसको एग्जैक्टली इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, बट जस्ट हम इस यूआई को जो है ना यूज करें, सही है. इस यूआई को हम यूज करें एंड जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लें यहाँ पर. सो जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका डेटाबेस का डिजाइन. क्या आपका डेटाबेस का डिजाइन कैसे होगा, सही है. राइट नाउ फॉर टाइम बीइंग हम ये समझते हैं कि यार हमारे पास ये एप्लीकेशन है, इसमें दो चीजें हैं. इसमें एक हमारे पास ये जो इसको हम म्यूजियम्स कह लें, ये हमारे पास म्यूजियम्स हैं और दूसरे हमारे पास यहाँ पर एग्जीबिशन का सेक्शन है, सही है. तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स बनेंगे, एक हमारे पास म्यूजियम्स का बनेगा, सही है, और दूसरा हमारे पास इवेंट्स का बनेगा, सही है. अब म्यूजियम में हमारे पास क्या क्या है, म्यूजियम के टेबल में हमारे पास कौन कौन सा डेटा होगा, आप यहाँ पर देख लें. यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, म्यूजियम का नेम, सही है, उसका एड्रेस, उसका इमेज यूआरएल, सही है. सो ये मेन मेन चीजें उसमें आएगी, उसकी आईडी जो है, जो मेन आईडी है उसकी, सही है. एंड देन हमारे पास एग्जीबिशन में क्या आएगा, एग्जीबिशन का डेट, एग्जीबिशन का नाम और उसका एड्रेस और उसका इमेज यूआरएल. So, ये चार पांच चीजें जो है ना हर एक टेबल में हमारे पास आ रही है, सही है. सो अब इसका डेटाबेस हम कैसे डिजाइन करेंगे, उसकी तरफ आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द console.firebase.google.com, सही है. ये ऑलरेडी हमने इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू रिकनेक्ट इट अगेन, सही है. एक्चुअली हमने यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ ये वाला प्रोजेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, स्टूडेंट कनेक्ट का, सही है. सो इसी के अंदर ही हम ये जो बाकी काम है वो भी कर लेते हैं. क्लाउड फायर स्टोर्स, इसमें एक टेबल हमारे पास यूजर्स का है कि हमारे पास में कौन कौन से यूजर्स हैं, सही है. और ये जो काम अभी तक यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये हम लास्ट सेशन में कर चुके थे. सो जिन्होंने लास्ट सेशन मिस किया है वो लास्ट सेशन दोबारा से देख लें तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमने यूजर का टेबल ये सारा कुछ सेटअप कैसे बनाया था, सही. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, अगर आपने नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस बनाना है सो उसमें आपके पास टेबल्स होंगे, सही है. अगर आपने फायरबेस पे काम करना है सो फायरबेस में आपके पास इंस्टेड ऑफ टेबल आपके पास कलेक्शंस होते हैं, सही है. और जिस तरह के पास टेबल्स में एंट्रीज होती हैं, एक रो आपके पास होता है, यहाँ पर हमारे पास इंस्टेड ऑफ हैविंग अ रो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होता है, सही है. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं म्यूजियम्स का एक म्यूजियम्स का मैंने कलेक्शन बना दिया है, सही. और ये बाय डिफॉल्ट से डॉक्यूमेंट मांगेगा, बट एनी हाउ जस्ट इसको मैं डमी डिजाइन छोड़ देता हूँ, सही है. अब यहाँ पर मेरे पास म्यूजियम्स की एक कलेक्शन आ गई है. दूसरा हमारे पास जो दूसरा है वो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट होगा, सही है. और ये इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा, हमारे पास एक म्यूजियम का ये आप इस तरह समझ लें कि हमारे पास म्यूजियम्स का टेबल है, उसके अंदर हमारे पास एक रो है. सो ये हमारे पास वो फर्स्ट रो हो जाएगा. अब इसमें हमारे पास कौन कौन सा डेटा होना चाहिए, फॉर टाइमिंग इसको मैं डिलीट कर रहता हूँ इस वाले को. हम यहाँ से डिजाइन से देखते हैं और इसी को हम यहाँ पर दोबारा से यूज करते हैं. यहाँ पर हमारे पास इमेज यूआरएल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इमेज यूआरएल होगा एंड देन म्यूजियम का नाम होगा एंड उसका एड्रेस. सो यहाँ पर हमारे पास तीन फील्ड्स आएंगे राइट नाउ. एक हमारे पास है नेम ऑफ द म्यूजियम, सही है. उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, स्ट्रिंग होगा, कोई और अगर आता है तो आप लोग कोई और कर दें, बट राइट नाउ हमारे पास स्ट्रिंग ही आएगा, उसका एड्रेस सॉरी नेम जो है. और यहाँ पर उसका म्यूजियम नेम, अच्छा ये हमारे पास एक फील्ड हो गया है उसका. उसका सेकंड फील्ड कौन सा होगा,
सेकंड फील्ड उसका हो जाएगा MHURL एंड थर्ड फिर हमारे पास एड्रेस MHURL वो भी स्ट्रिंग रहेगा सही है आपके पास यहाँ पर उसका URL आ जाएगा URL जो भी है राइट ना हमारे पास ये URL नहीं है बट यहाँ पर हम URL डालेंगे इमेज का एंड थर्ड जो फील्ड है वो हमारे पास होगा म्यूजियम का एड्रेस सही है आपके पास यहाँ पर म्यूजियम का एड्रेस आ जाएगा सही है लेट सपोज हम करते हैं कि शिराज एरिना शिराज एरिना डीन्स पिशावर कैंट ये आपके पास ये तीन फील्ड्स होंगे इसके सही है अब हमारे पास एक म्यूजियम म्यूजियम्स की लिस्ट होगी यहाँ पर सही है उसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं ये हमारे पास उसके तीन फील्ड्स आ जाएंगे उसका एड्रेस नेम एंड इमेज यूआरएल सही दूसरा जो हमारे पास टेबल बनेगा वो कौन सा होगा वो होगा हमारे पास इवेंट्स का सही एंड इवेंट्स में हमारे पास यहाँ पर उसको बाय डिफॉल्ट एक डॉक्यूमेंट आईडी दे देता हूँ इसमें फील्ड्स कौन कौन से होंगे अच्छा इसको आप यहां से भी कर सकते हैं और वहां पर जो मैंने किया वहां पर भी पॉसिबल है सही है तो इवेंट्स का सेक्शन हम यहीं से करते हैं नेम डेट एंड एड्रेस एंड देन हमारे पास इमेज यूआरएल सो नेम ऑफ द इवेंट यहां पर उसका नेम आ जाएगा इवेंट नेम सेकंड फील्ड हमने ऐड करना है सो सेकंड फील्ड कौन सा होगा डेट सही है और अगर डेट आपने टाइम स्टैम्प रखना है टाइम स्टैम्प भी हमारे पास एक होता है इसमें आप लोग हम डेट पिक कर सकते हैं स्पेसिफिक सही है लेट सपोज हमारे पास है 23 एंड टाइम भी आप लोगों ने रखना है लेट सपोज 12 बजे सही है एक पॉसिबिलिटी ये है टाइम स्टैम्प की दूसरा आप चाहते हैं अगर आप लोगों ने टाइम स्ट्रिंग में रखना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में सॉरी जो डेट है लेट सपोज इस तरह आप लोगों ने रखना है 12/10/2021 इस तरह आप लोग रख सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट भी में भी रख सकते हैं सही है अगर आपने इसको मैनिपुलेट नहीं करना मैनिपुलेट का मतलब ये है कि आप लोगों ने डेट को रीड करके उसके बेसिस पे आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लेना लेट्स सपोज आप लोगों ने नोटिफिकेशन देना है यूजर्स को सो देन आपको यहाँ पर आपका जो डेट है वो टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में होना चाहिए अगर आप लोगों ने वो नहीं करना जस्ट आप लोगों ने शो करना है कि डेट कौन से वाला है सो जस्ट आप लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी ये डेट दे सकते हैं और इसको आप वापस दोबारा से वो एक स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट में डाल सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं बट वो थोड़े से एडवांस के टॉपिक्स में आते हैं एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है नेम और उसका एड्रेस एंड इमेज यूआरएल सही है इसको हम लोकेशन कह सकते हैं लोकेशन कौन सा है लोकेशन में भी हम वही शिराज थर्ड हमारे पास उसका इमेज यूआरएल या इसको हम कवर इमेज कर सकते हैं कवर इमेज यूआरएल यहां पर आपके पास यूआरएल आ जाएगा उसका तो यहां पर हमारे पास अभी राइट नाउ दो टेबल्स बने हैं या दो कलेक्शंस बन गए हैं सही है एक हमारे पास इवेंट्स का है यहां पर हमारे पास इवेंट्स में फिर हमारे पास ये कवर इमेज डेट लोकेशन एंड नेम ऑफ द इवेंट यहां पर हमारे पास म्यूजियम्स हैं एंड म्यूजियम में हमारे पास जो है ना वो ये डेटा आएगा फॉर टाइमिंग राइट नाउ सही थर्ड अगर आपके पास बुकिंग्स का ऑप्शन है बुकिंग्स का सो अगर आप लोगों ने बुकिंग भी डालना है यहाँ पर बुकिंग्स सो बुकिंग्स में हमारे पास लेट सपोज फॉर टाइमिंग में ये डाल देता हूँ डेमी डेटा डाल रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट हो जाए सही बुकिंग्स का कलेक्शन हो गया है इसको मैं वापस डिलीट कर देता हूँ सही है अगर आप लोगों ने रिलेशनल डेटाबेसेस पढ़े हैं सो रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास क्या होता है इसका रिलेशन हम कैसे बनाएंगे एक यूजर आपके पास एक म्यूजियम की सॉरी एक इवेंट है उसकी बुकिंग करता है सो उसका यहाँ पे रिलेशन किस तरह बनेगा हाँ आपके पास एक यूजर आईडी आ जाएगी ये जो यूजर है उसकी आईडी आ जाएगी यहाँ पर सही है और दूसरा क्या होगा आपके पास लेट्स सपोज बुकिंग है ना एंड बुकिंग किस इवेंट में है आपके पास वो इवेंट की आईडी आ जाएगी सही है आईडी आ जाएगी उसकी सही है एंड थर्ड क्या फील्ड होगा
दो ही काफी है, इन दो के थ्रू आप डेटा फिच कर सकते हैं, यहाँ का डेटा इवेंट्स का डेटा आप यहाँ से फिच कर सकते हैं, सही है। बट ये जो तरीकेकार है ये बेहतर काम करता है उसमें, आपके पास रिलेशनल डेटाबेसिस में, सही है। यहाँ पर जो हमारे पास जो नो सीक्वल डेटाबेस है या क्लाउड फायर स्टोर है उसके जो क्वीरीज हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इस तरह काम नहीं करते हैं, सही है। बट राइट नाउ ये भी इनफ है। लेट सपोज आप लोग बुकिंग बुकिंग को फर्स्ट फेच कर लें एंड देन आप आईडी उठा के उस आईडी पे आप यूजर का डेटा उठा लें एंड इवन का डेटा उठा लें, सही है। एंड आप वहां पे उस सारे डेटा को वहां पे डिस्प्ले कर दें, आपके पास ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, सही। एंड देन यहाँ पर हम एक और फील्ड डाल सकते हैं कि बुकिंग टाइम क्या है आपका, सही है। लेट सपोज इसने बुकिंग की है 11/12/2021 पे, सही है। सो आपके पास ये अगर आप रिलेशंस बना सकते हैं सो आपको इस चीज की समझ आ गई है, सही है। अगर आप रिलेशंस नहीं बना सकते हैं सो तब आपको इस चीज की समझ नहीं आई। हाँ बिल्कुल, वो आपके टीचर्स भी आपके हेल्प आउट कर सकते हैं चीजों में, सही। हाँ सो जस्ट ये बुकिंग का सेक्शन भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है, सही है। अच्छा बट हमारा ज्यादा फोकस बुकिंग पे नहीं होगा, हमारा ज्यादा फोकस हम इस पे होगा कि हमने यहाँ से म्यूजियम का डाटा कैसे फिच करना है एंड इवेंट्स का डाटा कैसे फिच करना है, उसको हमने वहां पे डिस्प्ले कैसे करना है, एंड देन हमने कोई नया इवेंट ऐड करना है या नया म्यूजियम ऐड करना है तो हमने यहाँ पर उसकी एंट्री कैसे करनी है, सही। सो उसके लिए हम आते हैं अपने एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आप लोग देख लें, यहाँ पर हमारे पास एक म्यूजियम का सेक्शन मैंने डाला हुआ है, यूआई है यहाँ पर, सही है। MHURL का यहाँ पर डाल के आप जैसे ऐड करेंगे सो यहाँ पर आपके पास एक एंट्री ऐड हो जाएगी, सही। बट कोडिंग मैंने इसमें जो बैकएंड का कोड है वो भी ऑलरेडी इसमें था, बट राइट नाउ जो एक्चुअल प्रोजेक्ट था इसका यूआई का, सो उस प्रोजेक्ट से मैंने जस्ट यूआई उठा के जो करंट हमारा जो हम एप्लीकेशन इस पे काम करते हैं उसमें मैंने डाल दिया है। सो इसका जो बैकएंड का कोड है वो अभी हम दोबारा से लिखेंगे, सही। अच्छा सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये मैं लॉगआउट का बटन यहाँ से हटा देता हूँ। कोड की तरफ आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, ये यूआई का कोड है एंड इसमें ये म्यूजियम स्क्रीन्स के नाम से मैंने इसका यूआई यहाँ पर डाला हुआ है, आप लोग देख लें, सही है। बाकी जो दूसरा यूआई था वो यहाँ पर मौजूद है नीचे, जो स्पेसिफिक टू द स्टूडेंट कनेक्ट एप्लीकेशन था वो भी इसमें है ऑलरेडी। इसको मैंने अलग एप्लीकेशन इस वजह से नहीं बनाया कि मुझे दोबारा से फायरबेस कनेक्ट करना होता और वो सारे स्टेप्स दोबारा से फॉलो करने होते, सो दैट्स व्हाई मैंने दोबारा से कनेक्ट नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं स्क्रीन्स की तरफ, एंड स्क्रीन में हमारे पास है होम स्क्रीन, सही है। ये प्रोवाइडर का जो फाइल है फॉर टाइमिंग, इसको आपको आप स्किप ही कर दें, इसकी जरूरत ही नहीं है राइट नाउ, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, सही है। हमने मोस्टली काम करना है होम स्क्रीन पे। सो कस्टम विजेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये होम स्क्रीन सेक्शन है, ये हमारे पास ये हेडर है जो आपको नजर आ रहा है, सही है। ये एक रो है आपके पास, ये आइकन है उसमें, ये सारे आइकन डाले हुए हैं उसमें, एंड देन आपके पास ये लॉगआउट का बटन है, सो लॉगआउट का बटन यहाँ से मैं फॉर टाइमिंग मैं कॉमेंट कर देता हूँ। So, it's been commented. फिर हमारे पास ये सर्च फील्ड है, सो ये सर्च फील्ड का सेक्शन है, एंड देन हमारे पास फिर ये लिस्ट व्यू है, सही। सो आई थिंक लिस्ट व्यू हम एक बार पढ़ चुके हैं बट आई डोंट नो कि आप लोगों को याद है या याद नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे लिस्ट व्यू को रिमूव करके दोबारा से एक लिस्ट व्यू बनाता हूँ, सही है। अच्छा लिस्ट व्यू किससे यूज होता है, आपके पास लिस्ट फॉर्मेट में अगर आपने डेटा डिस्प्ले करना है, सही है, सो उसके लिए लिस्ट व्यू होगा। एक मिनट, अच्छा ये लिस्ट व्यू है एंड लिस्ट व्यू कहाँ तक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट व्यू बनाते हैं. ये हमारे पास एक लिस्ट व्यू है, सही है. लिस्ट व्यू में हमारे पास जिस तरह कॉलम में चिल्ड्रन होते हैं, इसमें भी हमारे पास चिल्ड्रन ही होते हैं, सही. अब लिस्ट व्यू और जो कॉलम है उनका काम तकरीबन सेम होता है, बट आपके पास जो कॉलम है, अगर आपके पास जो आपके पास डेटा आ रहा है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आपने 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 फिर लिस्ट व्यू यूज़ करना है. अगर आपके पास डेटा कम है तो देन आप कॉलम यूज़ कर सकते हैं, सही है. क्योंकि आपके पास जो लिस्ट व्यू है ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है. ऑप्टिमाइजेशन का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट व्यू में 100 एलिमेंट्स हैं और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जस्ट 10 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सही है. सो राइट नाउ आपके मेमोरी में जस्ट वो 10 एलिमेंट्स होंगे. तो जो जो एलिमेंट्स आप उसको स्क्रॉल अप करते हैं सो वो आपके स्क्रीन के यूआई से निकल जाता है ना. सो ये जो डार्ट है, फ्लटर है, ये ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी से भी रिमूव कर देता है और जो नया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है उसको मेमोरी में ऐड कर देता है, सही है. तो ये काफी मेमोरी एफिशिएंट है. सो दैट्स व्हाई आप कोशिश करें कि आप लिस्ट व्यू यूज करें. सो यहाँ पर हमारे पास ये चिल्ड्रन लिस्ट व्यू हमारे पास चिल्ड्रन आ जाएंगे, सही है. इसको मैं सेव करता हूँ. सो राइट नाउ ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसको मैं रिमूव कर चुका हूँ, सही है. अच्छा यहाँ पर मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी लिस्ट टाइल के नाम से, सही है. अब ये लिस्ट, एक मिनट, लिस्ट टाइल का कोड भी आपको मैं बता देता हूँ कि लिस्ट टाइल का कोड कैसे है. ये देखें, सॉरी नहीं, ये लिस्ट टाइल नहीं है, हम कोड देखते हैं इसका कोड क्या है. ओके, क्लास नेम क्या है, जस्ट फॉर विजिट्स एंड यहां पर आपके रीजन टाइप, तो ये वो लिस्ट टाइप नहीं, रीजन टाइप है, सही. सो ये कस्टम विजिट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं. अगर आपको कस्टम विजिट की समझ नहीं आ रही कि कस्टम विजिट हम कैसे बनाते हैं तो आप बैक जाके जो पुरानी वीडियो है स्पेशली जिसमें हमने यूआई में काम किया हुआ है इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, सही है, कि हम कस्टम विजिट्स किस तरह बना सकते हैं. अब ये हमारे पास वो कस्टम विजिट का कोड है. इसमें हमारे पास एक इमेज का सेक्शन है, बट इमेज का सेक्शन में राइट नाउ मैंने इमेज नहीं डाला, जैसे कंटेनर डाला हुआ जस्ट डिस्प्ले के लिए कि यहाँ पर हमारे पास इमेज आ सकते हैं, सही है. एंड देन यहाँ पर हमारे पास एक रो है जिसमें हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है एंड आइकन है, सही. एंड देन हमारे पास यहाँ पर देख लें साइज बॉक्स विद ऑफ दिस एड्रेस आ रहा है. एनी हाउ इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, अब एक लिस्ट आइटम आ गया है, सही है. लिस्ट व्यू का मैंने एक ऐड कर दिया है, इसको मैं दोबारा से 3 ऐड कर दिए हैं, सही है. तो अभी आप देखेंगे कि डाउन बिलो भी कुछ और एलिमेंट ऐड हो जाएंगे इसमें. ये देखें, अब इसको मैंने स्पेसिफिक हाइट दी हुई है तो इसको मैं हाइट हटा देता हूँ यहाँ से. जब मैं हाइट हटाऊंगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, आई थिंक सो, सही है. ये अब ओवरफ्लो हो गया है, सही. मैं डाल लेता हूँ, काम नहीं कर रहा. अब लिस्ट व्यू जब आप लगाते हैं सो लिस्ट व्यू का ये है कि आप उसको अपने स्पेसिफिक हाइट एंड विड्थ देनी है, सही है. सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पर ये मसला कर रहा है. सो उसको मैं रिमूव करके इस विजिट को इसको स्पेसिफिकली हाइट दे देते हैं, सही है. इसको मैं लेट सपोज 400 कर देता हूँ. अब इसको मैंने उस टाइम हाइट दी थी लेकिन उसका एक मकसद था. एक मिनट, इसको इशू को रिजॉल्व करना है फर्स्ट, देन वी कैन गो अहेड. ओके, चलो उसको मैंने रिमूव कर दिया है अभी. एंड देन इसको हाइट लेते हैं 400 की. अब ये देख रहे हैं आपके पास एक लिस्ट आ रहा है, इसमें 3 एलिमेंट्स है राइट नाउ. असल उसमें स्पेसिंग नहीं है सो इस वजह से एक दूसरे से बिल्कुल अटैच आ रहा है, सही है. इसको स्पेसिंग दे देंगे तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. अच्छा, बट हमें ये लिस्ट भी किस तरह चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, वर्टिकल में हमें नहीं चाहिए,
ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, ये देखें ये लिस्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, तो इसको हॉरिजॉन्टल में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये लिस्ट भी है इसका स्क्रॉल डायरेक्शन, स्क्रॉल डायरेक्शन एंड एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल करते हैं इसको, ये देखें एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट हो गया, बट असल में इसका एक्चुअल हाइट 200 था, तो इसकी वजह से ये साइज इसका जो स्पेसिंग है वो, तो इसको हम वापस 200 कर देते हैं, तो आपका ये वो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम स्पेसिंग आ जाएगी, सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू, हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू आप इस तरह बना सकते हैं, सही है। अच्छा अब हॉरिजॉन्टल लिस्ट व्यू हमारे पास आ गया है, अब हमने करना क्या है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है यहाँ पर ये हमने डमी डेटा दिया हुआ है, अब मैं फाइल में जाता हूँ ना, तो यहाँ पर ये देखें कंटेनर एंड ये जो नेम का सेक्शन है, नेम टेक्स्ट एंड बुकमार्क, ये जो सेक्शन है इसमें मैंने डमी नाम दे दिया हुआ है, सही है, कोई स्पेसिफिक डेटाबेस नाम नहीं आ रहा और यही पे मैंने उसको नाम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको मैं ये जो डेटा है ये मैं डायनेमिक कर दूँ यहाँ पर, सही है, स्पेसिफिक इसको मैं डायनेमिक करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक मॉडल क्लास बनाई हुई है, एक क्लास मैंने बनाया हुआ म्यूजियम के नाम से, उसमें तीन चीज़ें हैं, उसमें टाइटल है, उसमें जो है ना एड्रेस है एंड उसमें एमएज यूआरएल है, सही। सो इसको मैं टाइटल की वजह से मैं रीनेम करके इसको मैं नेम कर देता हूँ, सही, रीनेम एंड इसको हम कर देते हैं नेम, नेम कर दिया है एंड यहाँ पर भी मैं नेम करता हूँ, ये अभी हमने ये लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्म जैसा एंड टू जैसा, बट आई डोंट नो कि आप लोगों को याद है या नहीं याद, अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो दोबारा से पिछले वीडियो पे जाके देखनी पड़ेगी, वो टाइमिंग इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, इसलिए हमें जरूरत नहीं आया इतना। सो अगर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर मैंने म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, सो यहाँ पर होम स्क्रीन में आने के बजाय यहाँ पर ये मुझसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है, म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट भी एक्सेप्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, म्यूजियम और उसमें इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया है, अब इसमें हमारे पास इसका नेम भी है, नेम में मैं इसको नेम देता हूँ, लेट्स सपोज ट्रैवल म्यूजियम एंड देन इसका जो है ना एड्रेस है, सो इसको मैं कर देता हूँ जेल रोड ट्रैवल एंड थर्ड इसका इमेज यूआरएल है, सही, तो इमेज यूआरएल की जरूरत भी राइट नाउ नहीं है, जस्ट उसको मैं URL का नाम देता हूँ, सही, इन दोनों को टाइमिंग में यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हम सेव करते हैं, सोशल मेरे पास वही वही नाम है वो आ रहा है, बट एनी हाउ यहाँ पर म्यूजियम है, सो यहाँ पर इस टेक्स्ट को रिमूव करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, म्यूजियम डॉट नेम एंड यहाँ पर हमारे पास उसका एड्रेस आ जाएगा, म्यूजियम डॉट एड्रेस, सही है, अब देखें आपके पास ऑप्शन और म्यूजियम और उसके साथ आपका वो साथ में एड्रेस भी आ रहा है, सही है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने डायनेमिक कर दिया है, हम वहां से डेटा सेंड करते हैं इसको, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास डेटा आएगा, सही। तो ये जो म्यूजियम टाइम है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा से इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सही। आप देखें आपके पास जो नेक्स्ट म्यूजियम है वो एबटाबाद म्यूजियम आ रहा है, सही है, आप थर्ड करना चाहें आप थर्ड कर दें, सही है, इसको कर दें बनू एंड देन आपके पास यहाँ पर थर्ड म्यूजियम भी आ गया है, क्लियर। सो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है, सही है, मतलब
यहाँ तक हमारा काम क्लियर है। जस्ट अभी हमने क्या करना है, ये जो डेटा यहाँ पर हमारे पास स्टडी के लिए आ रहा है, यहाँ से भी हम मतलब यहाँ से हम अपडेट बना रहे हैं ना ये डेटा को। अब हमने करना क्या है, ये डेटा हमने डेटाबेस से लेना है और यहाँ पर फिर उसको डिस्प्ले करना है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ आते हैं। सही है। अगर आपको याद हो, आपको मैंने सर्विसेज की बात की थी कि हमने यहाँ पर डेटाबेस सर्विसेज यूज करना है, सही है, ताकि हम डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। सही है, अपना कोड जो है ना वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। सही है, तो यहाँ पर मैं ये डेटाबेस सर्विसेज की एक क्लास है, इसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, गेट म्यूजियम्स और इसको ये क्या करेगा, ये म्यूजियम से डाटा उठाएगा। सही है, अब हमारे पास यहाँ पर देख लें, अब असल में आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने लास्ट सेशन नहीं लिया, सो इस वजह से अभी हम इस सेशन में आप लोगों को थोड़े से मसले होंगे, चलो एनी हाउ मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ जो काफी समय डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सही है, अब हमारे पास फायर स्टोर का एक अच्छा, अगर फायर स्टोर से हमें डेटा उठाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसका एक प्लगइन है फायर स्टोर का प्लगइन, उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है, क्लाउड फायर स्टोर। सही है, अब तो कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने जस्ट pub.dev पे जाना है, यहाँ पर आप फायर स्टोर सर्च कर लें, ये क्लाउड फायर स्टोर। सही है, इंस्टॉल करना है इसको, जस्ट आप इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें एंड देन आपने ये कमांड रन कर देना है फ्लटर पब गेट का। सही है, तो आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, बट ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, सो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सही है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। सही है, मतलब इसका एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है फायर स्टोर। सही है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा फिच कर सकते हैं। सही है, सो फायर स्टोर डॉट, अब फायर स्टोर का इंस्टेंस जो है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, कलेक्शन। अब हमने डेटा उठाना है किस कलेक्शन से, म्यूजियम्स के कलेक्शन से। तो यहां पर हम क्या देते हैं, म्यूजियम, आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि आपने मेक श्योर करना है कि आप ये स्पेलिंग और ये जो यहाँ पर कलेक्शन का नेम है उसकी स्पेलिंग सेम है, सही, अदरवाइज ये डेटा एक्सेस नहीं होगा। म्यूजियम्स डॉट गेट, तो ये क्या करेगा, म्यूजियम कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा, अब ये फ्यूचर में रिटर्न करेगा और ये एसिंक्रोनस फंक्शन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, स्नैपशॉट रिटर्न करेगा, उसको मैं स्नैपशॉट का नाम देता हूँ इक्वल्स टू अवेज। सही है, क्योंकि इसका रिटर्न हमारे पास आ रहा है ना फ्यूचर में, स्नैपशॉट का फ्यूचर में रिटर्न आ रहा है। सही है, अच्छा अब ये जो स्नैपशॉट का डॉक्यूमेंट है इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि एफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा डॉट बॉक्स, इतने से मैं साइज उठा सकता हूँ। सही है, इसका साइज कितना होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका साइज कितना है। सही है, डॉट साइज ग्रेटर देन जीरो, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब उसने वहां से कोई डॉक्यूमेंट था वो फिच किया हुआ है। सही है, अब ये सारे वहां से वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर मौजूद थे वो फिच करेंगे यहाँ पर। सो चले हम डॉक्स डॉट लेंथ हम इस तरह उठाते हैं, डॉट लेंथ, चले इसको भी करने के बजाय हम क्या करते हैं, फॉर टाइमिंग हम यहाँ पर क्या प्रिंट करते हैं, प्रिंट हमारे पास यहाँ पे जो स्नैपशॉट आया हुआ है, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, हम जस्ट वो लेंथ प्रिंट करते हैं कि इसमें इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स रीड किए हैं वहां से। सही है, म्यूजियम्स फ्रॉम डीबी। सही है, जस्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं राइट नाउ। अच्छा हमारे पास ये कौन सा होम स्क्रीन है ना, यहाँ पर हमने डिस्प्ले करना है सारे डॉक्यूमेंट्स। सही है, तो फर्स्ट हमने क्या करना होगा, वो डेटा गेट करना है, देन यहाँ पर हमने उसको डिस्प्ले करना है। सही है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्टेटलेस विजिट है, इसको हम क्या बना लेते हैं, इसको हम स्टेटफुल बना लेंगे। सही है, एंड यहाँ पर इसमें एक हमारे पास एक फंक्शन होता है इनिट का, और इनिट का आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनिट का फंक्शन इसमें मौजूद होता है। सही है, सो इस इनिट के फंक्शन में हम क्या करते हैं,
इस इनिट के फंक्शन में हम वो डेटा, ये जो फंक्शन है ये कॉल करेंगे, तो ये डेटा गेट करके हमें रिटर्न करेगा, सही। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फायरबेस, सॉरी मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फाइनल डीबी सर्विस का, इसमें क्या करता हूँ डेटाबेस सर्विसेज का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही है। ये जो मैंने ये डेटाबेस सर्विसेज क्लास बनाई है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सही। एंड देन ये डीबी सर्विस है, सर्विस डॉट गेट यूजर डेटा, ये फॉर टाइमिंग जस्ट मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया है, सही है। सो जब हमारा ये जो, जब हम स्क्रीन पे आते हैं, सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इनिट का फंक्शन कॉल होता है, सही है। और ये इसका जो लाइफ साइकिल था वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना कुछ और फंक्शंस कॉल होते हैं, एंड देन उसके बाद इनिट का फंक्शन कॉल होता है, इनिट के बाद एक और फंक्शन है, उसके बाद हमारे पास फिर बिल्ड का फंक्शन कॉल होता है, सही है। हमारे पास उसके बाद ये यूआई रेंडर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये इनिट का फंक्शन कॉल होगा। सो इनिट क्या कर रहा है, इनिट यहाँ पर ये डेटाबेस से डेटा उठाएगा, यहाँ पर मैं जस्ट प्रिंट कर देता हूँ 8 गेट म्यूजियम डेटा, सही है, म्यूजियम डेटा फंक्शन, जस्ट टू शो के मतलब हम यहाँ पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जब जैसे ही इसको रिलोड करेंगे और जैसे ही ये स्क्रीन पे आएंगे हम, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा के लिए एक रिक्वेस्ट कर देगा कि मुझे डेटा चाहिए। अभी यहाँ पर देखें एट स्लैश स्क्रीन था, एंड देन ये देखें एट गेट म्यूजियम में थे, देन और उसके बाद ये किसने क्या किया है, म्यूजियम फेच फ्रॉम डेटाबेस, उसने एक म्यूजियम फेच कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में म्यूजियम में जस्ट एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको उसने फेच कर दिया है, सही है। लिस्ट तो आ गई है हमारे पास एंड यहाँ पर डेटाबेस सर्विसेज में, सही है। अब डॉक्स डॉट लेंथ, तो उसने लेंथ का बता दिया कि इसने एक डॉक्यूमेंट फेच कर दिया है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, सही है, नेम अहमदाबाद म्यूजियम, सही है। ये चले इसको हम इस तरह नहीं करते हैं, यहां से हम ऐड नहीं करते हैं, सही है। ये तो हमने देख लिया है कि हमने फिच कैसे करना है, सही है। अब डॉक्यूमेंट्स का डेटा भी हमारे पास आ गया है, बट अभी तक वो डेटा हमने डिस्प्ले नहीं किया, सही है। डिस्प्ले करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग अगर देख लें, यहाँ पर हमारे पास ऐड का एक बटन है, ये ऐड का बटन है, सही है। टाइटल, एड्रेस एंड इमेज यूआरएल, सो यहाँ से सारी चीजें देखिए, यहाँ से हम उसको अभी वहां पर ऐड करेंगे, सही है। सो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ऐड म्यूजियम, सही है। इसको हम क्या पास करेंगे, वो म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, सही है। अच्छा, तो अब हमने आना है यहां पर, हमारे पास एक और स्क्रीन बनाया है इसके लिए, कस्टम सॉरी म्यूजियम्स एंड इसमें स्क्रीन्स, ये देखें एड म्यूजियम स्क्रीन जो है, सही है। अब ये हमारे पास एड म्यूजियम का ये स्क्रीन है, सही है। अब ये टाइटल है जिसको हम चेंज कर देते हैं, नेम कर देते हैं इसको, सही है, म्यूजियम टाइटल ये हमारे पास है, ये हमारे पास नेम स्क्रीन है, टाइटल को चेंज करके इसको नेम कर दिया मैंने, सही है। अब ये भी हमारे पास एक कस्टम एडिट मैंने बनाया हुआ है, कस्टम टेक्स्ट फील के नाम से, सही है। उसमें ये टेक्स्ट भी है, ये टेक्स्ट भी नहीं है, सारी स्टाइलिंग उसमें मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें ये सारी स्टाइलिंग मौजूद है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट वो बेसिक फंक्शन आ रहे हैं, सही है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो वैल्यूज एंटर करते हैं, सही है, तो ऑन चेंज पे वो किस में डाल रहे हैं, म्यूजियम डॉट नेम में, सही है। ये देख लें, हमने यहाँ पर म्यूजियम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सही। एंड देन जब हम यहाँ पे जो एंट्री करते हैं वो ऑटोमेटिकली
इस यूजर के ऑब्जेक्ट में नेम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। एंड देन उसके बाद हमारे पास म्यूजियम डॉट एड्रेस है, सो एड्रेस में उसका एड्रेस का फील्ड आ रहा है, एंड देन इमेज यूआरएल में इमेज यूआरएल का फील्ड आ रहा है, एंड देन हमारे पास यहाँ पर एड का बटन है, ये एड का बटन है, सही है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक म्यूजियम एड करने की कोशिश करता हूँ, एबटाबाद एड्रेस कर देते हैं उसका, उसका भी जेल रोड बात कर देते हैं, सही है। इसको तो टाइमिंग जस्ट यूआरएल करती है, सही है। अब जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड पे क्या होना चाहिए, इसको डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। सो ऑन प्रेस्ट का फंक्शन ये है, सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाकी जो नीचे ये जो कोड लिखा है उसको मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, सो उसको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट डीबी सर्विसेज का, फाइनल डीबी सर्विस इक्वल्स टू डेटाबेस सर्विसेज इंपोर्ट कर दिया है मैंने, सही है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीबी सर्विस डॉट एड म्यूजियम, और म्यूजियम में हम हमारा ये जो यहाँ पर ये जो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हम पॉपुलेट कर रहे हैं साथ साथ डेटा, जिसमें हम पॉपुलेट कर रहे हैं वो हम साथ में वहां पर उसको पास कर रहे हैं, सही है। हम यहाँ पर आते हैं, सही है। यहाँ पर हम इसको जस्ट प्रिंट करते हैं, फॉर नाउ करते हैं एड म्यूजियम विद डेटा इक्वल्स टू, ये फॉर टाइम बीइंग जस्ट मैं म्यूजियम का नेम ऐड कर देता हूँ, सही है। नेम इज इक्वल टू डॉलर म्यूजियम डॉट नेम, सही है। फॉर टाइम बीइंग मैं डेटाबेस में डेटा सेंड नहीं कर रहा, क्लियर। इसको सेव कर दिया है मैंने, एंड देन ये देखें एड म्यूजियम विद डेटा एंड नेम क्या है, एबटाबाद म्यूजियम। तो मतलब डेटा यहां तक हमारे पास आ रहा है, सही है, म्यूजियम का जो डेटा है। अच्छा, जेसॉन जो हमने डिस्कशन की थी जेसॉन पे, तो उस क्लास में आप लोग थे, जेसॉन फॉर्मेट एंड ऑल दोस थिंग्स, जेसॉन फॉर्मेट के साथ हम काम कैसे करते हैं, थे, सही है। सो अगर आप लोग उसमें थे तो देन वी डोंट हैव मच इश्यूज इन दैट सेक्शन एज वेल। अच्छा, सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट है, सही है, इसमें मैंने एक फंक्शन डाला हुआ है टू जेसॉन का। ये सिंपली क्या करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना राइट नाउ, इस ऑब्जेक्ट को जेसॉन में कन्वर्ट कर देता है। ये देखें जेसॉन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जेस वो मुझे एक जेसॉन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है यहाँ से, सही है। एंड इसको हम चेंज कर देंगे नेम, ये हमें वहां पर नेम चाहिए, क्लियर। तो ये जस्ट मुझे एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, फॉर टाइमिंग चले इस तरह करते हैं कि इसको वापस कमेंट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपरली एक दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं एंड देन यहाँ पर आते हैं, सही है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, फायर स्टोर में डेटा पुश करना है, सही है। डॉट कलेक्शन किस कलेक्शन में करना है, म्यूजियम्स का कलेक्शन है, सही है। एंड देन अच्छा, म्यूजियम के कलेक्शन में एड कर देना है। अब यहाँ पर जो डेटा है ना, ये डेटा आप लोग देख लें, ये किस फॉर्मेट में, इसको चाहिए मैप के फॉर्मेट में चाहिए। ये देखें इसका फॉर्मेट क्या है, मैप स्ट्रिंग ऑफ डायनेमिक। तो ये हमारे पास एक्चुअली वो कौन सा फॉर्मेट है, ये वही जेसॉन फॉर्मेट है, मतलब की वैल्यू पेयर है हमारे पास, सही है। तो इसको हमें डेटा देना होगा किस फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैंने नेम देना है, सही है। सो म्यूजियम डॉट नेम, क्लियर। एंड देन हमारे पास क्या है, इमेज यूआरएल है म्यूजियम डॉट इमेज यूआरएल, एंड देन हमारे पास है एड्रेस म्यूजियम डॉट एड्रेस, क्लियर। अच्छा,
सो अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया है मैंने, अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली एड करते हैं, यहाँ पर दोबारा से एबटाबाद म्यूजियम एड करते हैं क्योंकि वो हमने डेटाबेस में सेंड नहीं किया था। एबटाबाद म्यूजियम एंड एड्रेस कर देते हैं जेल रोड, सही है, लॉग इन बटन प्रेस विद दिस नेम। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखने म्यूजियम में हमारे पास एक और एंट्री हो गई है, ये देखें एबटाबाद म्यूजियम एंड आपके पास हमारे पास अभी यहाँ पर हमारे पास एक और एंट्री भी हो गई है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं, सही है। अब ये मैं बार बार यहाँ पर दोबारा उस फॉर्मेट में दूंगा तो इसमें चांसेस है गलती होगी भी, यहाँ पर मैं शायद की मैं गलत दे दूँ, यहाँ पर ये जो की है ये गलत हो जाए मुझसे, सही है। सो बजाय इसके कि इसको मैं यहाँ पर इस तरह बार बार करूँ तो मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास जो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने टू जेसॉन का एक फंक्शन डाला हुआ है, वो सिंपली क्या करता है वो जो ऑब्जेक्ट राइट नाउ है उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देता है, सही है। सो उन सारा वो जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था उसके बजाय मैं क्या कर देता हूँ, म्यूजियम डॉट टू म्यूजियम डॉट टू जेसॉन, तो ये ऑटोमेटिकली उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देगा, जो म्यूजियम का ऑब्जेक्ट है उसको जेसॉन में कन्वर्ट करके यहाँ पे इनपुट कर देगा, क्लियर है। तो जो फॉर्मेट अभी मैंने जेसॉन फॉर्मेट लिखा था ना उसकी वजह मैंने उसको जस्ट म्यूजियम डॉट टू जेसॉन कर दिया है, तो म्यूजियम का जो ऑब्जेक्ट है वो जेसॉन फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा मुझे, यहाँ से ऑटोमेटिकली है वही ऑब्जेक्ट मुझे जेसॉन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, तो इट्स अ बेटर वे टू डू इट, सही। इसको दोबारा टेस्ट करते हैं, एक और म्यूजियम ऐड करते हैं यहाँ पर, बनू म्यूजियम, बनू वाले का पता हो गया। अच्छा एड्रेस कर देते हैं, मुझे एड्रेस का नहीं पता तो इसको भी कर देते हैं जेल रोड बनू यू आर एल एंड सेव, सही है। अब यहाँ पर देख लें थर्ड एंट्री भी हो गई है, क्लियर। सो अब हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, सही है, तीन जेसॉन के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब हमने करना क्या है, दोबारा से डेटा फिच करना है, सो मैं इसको दोबारा से रीरन करता हूँ। सो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने आते हैं, अभी हमारे पास तीन हो गए हैं, सो देखते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम फेच फ्रॉम डेटा बेस इक्वल टू थ्री, तो अभी हमारे पास यहाँ पर तीन, पर उसको राइट नाउ हमने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया, ये हमारे पास वही डमी डेटा है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा कि हम वो डेटा उठा के यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, एंड डिस्प्ले करने से बाद करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा उसके बाद लेते हैं। सो आप आफ्टर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक विल विल गेट सो।